अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब पासनी। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नाज़रीन कराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद का एक बयान 5-6 दिन पहले आया था। जी हाँ, उसमें हज़रत ने मुल्क में अमन शांति का पैगाम भी दिया था, भाईचारगी को बनाए रखने का पैगाम भी दिया था। दूसरी तरफ अगर कोई हम पर हमला करता है तो अपने दिफा का भी हज़रत ने बताया था, जिसको गोदी मीडिया वो क्लिप काट काट करके और अपने यूट्यूब थंबनेल पर टाइटल पर लिखता है कि नफ़रत का पैगाम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के नाम, इस तरह के मतलब थंबनेल दे रहा है, टाइटल दे रहा था। गोदी मीडिया हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से मौलाना लोगों को पा जाए, उलमाए कराम को पा जाए तो देख लीजिए दहशतगर्दी की तालीम देते हैं ये मूल्य। इस तरह के मतलब गोदी मीडिया काम ही है, ये धंधा बेचारों का यही है और इसी वजह से वो पल रहे हैं। जब गोदी मीडिया इस क्लिप को काट काट करके पेश करने लगा तो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब की तरफ से एक लेटर पेड भी शाये हुआ। उसमें हजरत ने बताया कि हमने जो बयान दिया था तो उसमें मुल्क में अमन भाईचारगी को बनाए रखने का पैगाम दिया था, उसमें अपने दिफा के लिए भी कहा था, लेकिन गोदी मीडिया इसको काट काट करके पेश कर रहा है, लोगों के सामने बयान कर रहा है, टाइटल और थंबनेल उल्टे सीधे दे रहा है। जबकि हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने कोई गलत बयान दिया भी नहीं था। हाँ, अगर कोई हम पर हमला कर रहा है तो हम अपने दिफा का इंतजाम खुद करें। और आपको बतला दें कि गोदी मीडिया को मुफ्ती साहब का ये पैगाम, मुफ्ती साहब का यह मोहब्बत का पैगाम, उल्फत वाला पैगाम, ये तो नफरत का पैगाम लग रहा है, लेकिन बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने इतवार को सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान दिया है तो गोदी मीडिया को वो नहीं दिख रहा है। हाँ, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि लोग अपने घरों या पड़ोस में हमला करने के लिए लोगों की भीड़ आने की सूरत में अपने घरों को कोल्ड ड्रिंक की बोतलों और तीरों से लेकर लें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में पुलिस उन्हें बचाने नहीं आएगी, इसलिए वो खुद तैयार रहें। बताया जा रहा है कि साक्षी महाराज उन्नाव के एमपी हैं, जो अक्सर अपने उल्टे सीधे बयानात को लेकर बहस में रहते हैं। आपको बतला दें, इन्होंने तो कह दिया कि ये तीर वगैरह का सब पूरा बोतलों का इंतजाम कर लो। और कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब का चैनल है एक तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया, आप सब लोग जानते भी होंगे, उनके जो एंकर हैं सैयद फारूक अहमद, उन्होंने भी यही बयान दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया, उनको जेल भी हुई। और कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब को और सैयद फारूक साहब को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी किया गया है। अब देखना यह है कि साक्षी महाराज को पुलिस कब गिरफ्तार करती है, हुकूमत कब गिरफ्तार करवाती है। नाज़रीन इकराम, इस खबर से मुतालिक आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।